हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और मेरे इस आज के नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक एडी सर हैं रांची से, तो उनका कमेंट आया था, मैसेज आया था कि किस तरह से हम लोग जो टोपोग्राफी होता है, कोई भी कंटूरिंग किया हुआ है, उसका हम लोग किस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन से। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल इनको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था दोस्तों, कि कितना फिलिंग कितना करना होगा हम लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे, जो अर्थ का ये है उसको लाने के लिए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मुझसे मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ भी सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। तो ये फाइल ओपन हो चुका है दोस्तों, जो टोपोग्राफी किया हुआ है उनका, तो इस तरह का पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और इससे हम उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे आप उनको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो इनको पॉइंट्स को हम लोग को एलिवेशन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए एक कमांड है, CET। अब टाइप करें यहाँ पे CET, CET इंटर। आप इसे सेलेक्ट करें और इंटर कर दें तो आप देखेंगे कि जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ पे एलिवेशन डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ये एक और है दोस्तों, कि आप पहले हम वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से हम लोग कंटूर बनाते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं उनके लिए जल्दी से बना लेता हूँ। एक कमांड है CNS, कंटूर सेटिंग करने का। आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या एज इट इज रहने दें, मैं इसे रहने दे रहा हूँ। आप इसे सेव कर लें, इस टाइप से आप कर लेंगे इंटरवल्स वगैरह। अब फिर है दूसरा CCON, इस तरह से टाइप करें और इंटर कर दें। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वॉश टू एक्सपोर्ट बाउंड्री? तो यस, अगर आप यस करेंगे तो बाउंड्री भी एक्सपोर्ट होगा, अदरवाइज विदाउट बाउंड्री ये कंट्रोल जनरेट होगा। तो मैं वाई कर दे रहा हूँ यस। अब इसे फिर से सेलेक्ट करना होगा हम लोगों को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंटूर जो है सो जेनरेट हो चुका है। तो अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो इस सर्वे कैड सॉफ्टवेयर होता है उसमें। तो उसके लिए हम लोगों को सिर्फ एलिवेशन डेटा का ज़रूरत पड़ेगा, बाकी चीज़ का तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, जैसे ग्रिड लाइन्स है इनको ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ले ऑफ। इस तरह से देख सकते हैं आपके जो ये था वो ऑफ हो गया। अब इस डेटा को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एलिवेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए कमांड है दोस्तों EXEL, इंटर करें। और आप एलिवेशन का जो भी है पॉइंट्स उसको आप एक्सपोर्ट कर दें, इंटर कर दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 4036 एलिवेशन डेटा एक्सपोर्टेड, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो अब हम लोग ई सर्वे कैड सॉफ्टवेयर जो होता है उसको ओपन करेंगे। मैं एक नया फाइल बना ले रहा हूँ, इस सेक्शन में सेलेक्टेड है दोस्तों पहले से। अभी हम लोग टोपो ड्रॉ के थ्रू कंटूर के थ्रू अर्थवर्क करना है, तो हम लोग कंटूर पे सेलेक्ट करेंगे। अगर सेक्शन बनाना होगा रोड वगैरह का तो हम लोग सेक्शन पे टिक रहने देते हैं। तो अपने टोपो ड्रॉ को सिलेक्ट करेंगे, टोपो ड्रॉ कंटूर अर्थवर्क, और यहाँ पे फाइल नेम देंगे, कुछ भी फाइल नेम दे करके सेव कर देंगे। इस तरह से फाइल सेव हो गया। अभी हम लोगों को जाना है सरफेस में, इंपोर्ट में, और यहाँ पे ऑटो कैड से इंपोर्ट ले रहे हैं तो कैड पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डन हो गया। अब वो डेटा जो भी आपने एक्सपोर्ट किया वहाँ से, हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग ऑटो कैड फाइल से एक्सपोर्ट किए, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब देखने के लिए हम लोग जाना है टोपो ड्रो में, टोपो मैप में जाएंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे,
इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी एलिवेशन हमने एक्सपोर्ट किया था विद पॉइंट नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से ये हो गया। अभी पॉइंट आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप पॉइंट भी देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग को जाना है दोस्तों कंटूर में, फिर कंटूर मैप में। कंटूर मैप में जाने के बाद यहाँ पे व्यू है, व्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम लोग फिर से कंटूर यहाँ पे बना लेंगे जो भी है, वन इंटरवल्स वगैरह। आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस जो है सो इसका कंटूर जनरेट हो चुका है। अब इसको हम लोग एलिवेशन वगैरह ग्रिड वगैरह अगर आप डालना चाहें तो ग्रिड भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप ग्रिड पे जा डाल करके 10 मीटर के इंटरवल्स पे हमने ग्रिड ये किया है। आप ये सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कंटूर एनोटेशन ग्रिड ग्रिड एलिवेशन ग्रिड एनोटेशन सेलेक्ट करके प्रीव्यू करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रिड यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो कंटूर है वो बन गया है। अब इस पर हम लोग करेंगे अर्थवर्क। तो इसके लिए हम लोग आप इस फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कैड के थ्रू। आपका एक ऑटो कैड फाइल ओपन होना चाहिए यहाँ पे। आप कैड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है सो ऑटो कैड में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का कंट्रोल का काम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे अर्थवर्क में। अर्थवर्क में जाने के बाद दोस्तों अर्थवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है पहले जो भी पॉइंट्स जनरेट हुआ है। इन जो भी हम लोग इंपोर्ट लिए थे वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है इस तरह से। अब यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो इंस्ट्रक्शन है 100 फॉर्मेशन लेवल रखना है यहाँ पे। आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शन हो या जो भी आपको फॉर्मेशन रखना हो आप रख सकते हैं यहाँ पे। और इंक्लूडिंग चेंज पॉइंट्स आप कर दें यहाँ पे। मिनिमम गैप 10 कर दें, 10 मीटर के इंटरवल पे रहेगा वो। और स्कैनिंग रेडियस आप 30 पे हम जनरेट किए थे तो 30 रहने देते हैं। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आप इस तरह से व्यू सीएस पे क्लिक करके आप इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जनरेट हो गया। हम लोगों को क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये ग्रिड में आपका इसके थ्रू आता है। जैसे कि यहाँ पे 4810 है, 4810 पे टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 4820 ये रहा। तो आप एक्सिस सेलेक्ट करना है। अगर आप वाई एक्सिस कर देंगे तो ये इस तरफ से जो है सो एक्सिस जो है इनका डायरेक्शन जो है सेक्शन का वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम एक्स एक्सिस में ही ड्रॉ करते हैं। प्रीव्यू सीएस करते हैं और 4820। तो 4820 पे आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल ये था और इनका जो ग्रिड का वैल्यू है नॉर्थिंग ईस्टिंग उसके अकॉर्डिंगली ये आप देखेंगे कि 10 मीटर का इंटरवल हमने रखा था। तो आप यहाँ पे पाएंगे 4930 है, 4940, 4950 ये स्टार्ट था और ये लास्ट आप देखेंगे 4960.179 पे ये एंड हो गया। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए कि कौन सा चैनल कहाँ का है, मैं इसको पहले इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ ऑटो कैड में। तो कैड पे क्लिक करना है यहाँ पे। आप देखेंगे कि ये फाइल जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है ऑटो कैड में। तो भी ये 4820 अब सेक्शन से वेरीफाई करेंगे हम लोग व्यू सेक्शन में वापस जा करके। यहाँ पे 4820 4820 पे जो विड्थ है सेक्शन का आप यहाँ पे देखेंगे 4960.179 माइनस 4924.520 35.659 ये विड्थ होना चाहिए।
मेरा जो 48 20 है सेक्शन नंबर उस पे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ से करेंगे 48 20 पे जितना जो ग्राउंड मेरा टच हो रहा होगा इस बाउंड्री के अंदर में, वो विड्थ मेरा क्रॉस सेक्शनल विड्थ के बराबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये मेरा ग्रिड का लाइन है जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये रेड कर दिया हमने, और ये मेरा आउटर बाउंड्री है इसका भी कलर हम ब्लू कर दे रहे हैं ये। तो अब इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जितना एरिया कवर हो रहा है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये आपका यहाँ पे एंड, तो आप देखेंगे 35.661 यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मेरा होना चाहिए इतना ही विड्थ का होना चाहिए। तो अभी हमने जो डिस्टेंस निकाला था आप देखेंगे 35.659 यानी कि 66, और जो अपना ऑटोकैड में है 35.66 वही यहाँ पे इतना ही का क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे बना हुआ है आप, और दूसरे चैनल पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जो भी है यहाँ इसका जो डिफरेंस है वैल्यू है जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं स्क्वायर मीटर में रहता है ये एरिया, तो यहाँ पे फिलिंग एरिया यहाँ पे आपको शो कर रहा है 88.720। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग पहले तो इस सेक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम और भी कई सारा सेक्शंस यहाँ पे जितने सारे सेक्शंस बने होंगे 10 मीटर के इंटरवल पे वो सारे यहाँ के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मैं कोई भी रैंडमली एक पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ, जैसे कि 5110 5110 का विड्थ यहाँ पे कितना है 5057, मैं कैलकुलेटर से 5057.723 5057.723 माइनस यहाँ पे स्टार्टिंग का वैल्यू है 4838.62 माइनस 4838.62 इस तरह से 219.109 103 ये ग्रिड का जो चैनल है वो कितना है 5110। तो आप देखेंगे कि 5110 पे 5110 ये जो अपना वाई एक्सिस हमने जो सिलेक्ट कर रखा है वो अपवर्ड्स ऊपर की ओर जा रहा है, तो 5110 पे 5110 ये है मेरा 5110। इसको कलर में रेड कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्टेंस आया था अप्रोक्सीमेट 219.109 वही रह होगा यहाँ पे, ये आप देखें 219.103 219.103। तो इस तरह से हम लोग का वेरीफाई हो गया कि जो डिस्टेंस है वो किस सीक्वेंस में लेता है। सो अभी इस तरह से इसका वॉल्यूम जो है सो हम लोग वॉल्यूम भी वेरीफाई कर लेंगे, ये एरिया कितना है, जैसे कि ये है चैनेज, ये फिलिंग है, फिलिंग स्क्वायर मीटर में है ये 692.607। तो इसको हम लोग पहले ऑटोकैड फाइल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वहाँ पे इसको हम लोग एरिया को कैलकुलेट भी करके चेक कर लेंगे कि कितना है। हम देख सकते हैं ये जो क्रॉस सेक्शन है ऑटोकैड में एक्सपोर्ट हो चुका है, और इसका स्केल हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, ये 10 मीटर होना चाहिए, 10 मीटर है इस तरह से। अभी इसके बीच का जो एरिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। बाउंड्री क्रिएट करने के लिए बी ओ कमांड यूज करेंगे, पिक पॉइंट्स, और इसमें सेंटर में क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे पिक पॉइंट्स, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, एरिया यहाँ पे 6926.067 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही सेम वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है जो यहाँ पे 6926.0672, तो 067 तक आया है 3 डिजिट्स में। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरीफाई कर लिए। अभी क्या है दोस्तों कि हम लोग इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह से हम लोग वॉल्यूम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन को हम लोग बारी बारी से
इसमें एक एक करके सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बल्क में करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी विड्थ जैसे जैसे बढ़ता गया है, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है और उसका जो अर्थवर्क है एरिया, कितना स्क्वायर मीटर एरिया आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो होता जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसका वॉल्यूम जो है सो बल्क में यहाँ पे हम लोग शो कर सकते, यहाँ पे शो करेगा, इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखेंगे आप, यहाँ पे स्टार्टिंग चैनेज है 4820 और एंड चैनेज है 5200, और आप क्रॉस सेक्शन में भी देखेंगे स्टार्टिंग चैनेज 4820 है और 5200 यहाँ पे एंड चैनेज है। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम को एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट जो है सो एक्सपोर्ट हो रहा है। ये एक्सेल फाइल में यहाँ पे आपको रिपोर्ट जो है सो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, और टोटल जो अपना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे निकाल करके कितना आ रहा है, ये 23,6877। किसी भी एक चैनल का हम लोग इसमें भी वेरीफाई कर लेंगे, जैसे कि हमने एक चैनल सेलेक्ट किया 4930, इस पे वॉल्यूम जो फिलिंग स्क्वायर मीटर में है वो आ रहा है 680.531 4930 पे। तो ये चीज़ भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, अपना चैनल था ये 4930, तो हम लोग इसमें 4930 सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे 680.531, आप देखेंगे कि वही सेम वैल्यू यहाँ पे आ गया है। इस तरह से हम लोग जो भी इसका रिपोर्ट है अर्थवर्क का वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, ये विड्थ है, क्रॉस सेक्शनल का विड्थ कितना है आपका शो है, ये एरिया एंड ये आपका कटिंग वॉल्यूम, यहाँ पे कटिंग स्क्वायर में कटिंग एरिया शो करेगा और ये एरिया जो है सो फिलिंग का शो करेगा। अब इससे एवरेज करके ये फिलिंग एरिया यहाँ पे आएगा और इससे एवरेज निकाल करके और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे सेव कर लें। ये चीज़ हमने सेव कर लिया। अब आप क्रॉस सेक्शन को, आप इस फाइल को भी आप सेव कर लें, जिससे कि आपका डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। अब आप क्रॉस सेक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बारी बारी से आपको इसमें एक एक करके सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे ये सेलेक्ट किया आपने, कैट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है सो जो भी ऑटो कैट का फाइल है तो उसमें ये ओपन हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप फिर उसे वापस सेव कर लें। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से जाने हम लोग कि किस तरह से जो भी एरिया होता है उसका हम लोग एक फॉर्मेशन दे करके किस तरह से वो हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो भी हमने बताया किस तरह से अर्थवर्क निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। और अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।